हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम टेन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का एक पोर्शन, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। हालांकि इसका जो MCQ है, जिसमें हम लोगों ने करीब 700 क्वेश्चन थे, उन सभी को सॉल्व कर लिया है। तो मान लीजिए कि जिन लोगों ने MCQ नहीं देखा है, वो लोग मॉडर्न हिस्ट्री टॉप 700 की सीरीज़ में जाए, वहाँ पे सभी MCQ सॉल्व कर सकते हैं। और जो लोग नए हैं, वो लोग इसको पढ़ते जाए, पढ़ने के बाद वो MCQ सॉल्व करें। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला हमारा कि भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, इसका टाइम पीरियड क्या होता है। इसका टाइम पीरियड देखिए क्या था, 1885 से लेकर के 1947। 1885 हमारा वही टाइम है जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, एंड 1947 में भारत पूर्ण तरीके से आज़ाद हो गया था। इसके बीच जो भी नेशनल मूवमेंट हुए थे, जो भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, उसी को हम लोग कहते हैं कि भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। 1885 से लेकर के 1947 के पीरियड को क्या कहेंगे, राष्ट्रीय आंदोलनों का वर्ष। ठीक, अब आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ाद हो गया था। ठीक, तो हमें इसके बीच का जो भी हमारा आंदोलन हुआ है, कौन कौन से व्यक्तियों ने क्या क्या काम किए, यहाँ से हमारे एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो अब अगर हम लोग बात करें कि आज़ादी के लिए जो संघर्ष हुआ था, वह कुल कितने चरणों में हुआ था, तो आज़ादी के लिए जो संघर्ष हुआ, उसको 3 चरणों में विभाजित किया गया है। प्रथम चरण 1885 से लेकर के 1905, द्वितीय चरण 1905 से लेकर के 1919, और उसके बाद हमारा तृतीय चरण 1919 से लेकर के 1947। 1885 से लेकर के 1905, आपको पता है 1885 में क्या हुआ था, INC की स्थापना। 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन। इसके अलावा और भी हुआ था, 1905 के बाद ही कांग्रेस गरम दल और नरम दल में बट गई थी। ठीक, लेकिन लक्ष्य सबका क्या था, स्वराज की प्राप्ति ही थी। फिर देखिए यहाँ पे दूसरा चरण हमारा है 1919 तक। ठीक, 1905 में हुआ बंगाल विभाजन, 1919 में आया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, और ये तीसरा चरण जो है हमारा, इसी को हम लोग पढ़ते हैं गांधीवादी युग के नाम से। ठीक, तो देखते हैं पहले चरण में क्या क्या चीज़ें हुई थी। पहले चरण की अगर हम लोग बात करें, तो इसमें INC की स्थापना तो हो गई थी, परंतु लक्ष्य अस्पष्ट थे। INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो गई थी 1885 में, एलन ऑक्टेवियन होम ने किया था, लेकिन इसका लक्ष्य अभी भी अस्पष्ट था। आंदोलन का नेतृत्व तो कौन कर रहे थे, 1885 से लेकर के 1905 तक भी आंदोलन हुए थे, लेकिन इसका नेतृत्व तो कौन कर रहे थे, बुद्धिजीवी मध्यम वर्गीय लोग कर रहे थे। फिर आता हमारा दूसरा चरण। दूसरा चरण में हम लोग पढ़ते 1905 से लेकर के 1919 के बीच में, इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का लक्ष्य व उद्देश्य अस्पष्ट थे। अस्पष्ट क्या थे, कि अब हमें क्या चाहिए, स्वराज चाहिए। तो जो दूसरा चरण है, क्वेश्चन आता है हमारा कि स्वतंत्रता संघर्ष के किस चरण में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य स्वराज रखा था, तो द्वितीय चरण में, जो कि 1905 से लेकर के 1919 तक था। फिर हमारा तीसरा चरण था 1919 से लेकर के 1947। मैंने आपको बताया था कि गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से वापस आ गए थे, और इन्होंने इंडिया में अपना जो मूवमेंट था, उसे शुरू कर दिया था 1917 से। आने के बाद गांधी जी तुरंत गए थे कहाँ पे, चंपारण, उसके बाद खिलाफत, अहमदाबाद, ये सारे आंदोलन गांधी जी शुरू हो गए। तो 1919 से लेकर के 1947 का जो टाइम है, इसे हम लोग जानते हैं गांधीवादी युग के नाम से, क्योंकि इसमें जो सबसे ज़्यादा चर्चित नेता थे वो कौन थे, गांधी जी। लोग इन्हीं को फॉलो करते थे। और इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना लक्ष्य क्या रखा, डोमिनियन स्टेट्स या पूर्ण स्वराज। ठीक, यहाँ पे स्वराज रखा, लेकिन यहाँ पे क्या कर लिया, पूर्ण स्वराज रख लिया। अब देखते हैं कि किस प्रकार से भारतीयों में राष्ट्रीयता का जन्म हुआ, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब अंग्रेज भारत आए थे, तो उनका लक्ष्य यह नहीं था कि वो भारत पे शासन करें, वो सिर्फ ट्रेड करने आए थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, शासन करना शुरू कर दिया। अब भारत भी क्या था, भारतीयों में भी किस किस तरीके से राष्ट्रीयता का जन्म होता है, कब उन्हें यह रियलाइज होता है कि नहीं, अब हमें आज़ादी चाहिए ही चाहिए, तो उन सभी चीज़ों को हम लोग पहले देखेंगे कि द बर्थ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, भारतीय राष्ट्रीयता का जन्म।
अब जो माना जाता है, कहा जाता है कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ, क्या क्या रीजन थे इसके, राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होने के क्या क्या रीजन थे? तो देखते हैं, पहला हमारा सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन। मैंने आपको बताया ना, कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होती है, एक लंबा प्रोसेस लगता है हर चीज़ के लिए, ठीक। तो इसमें क्या कौन कौन थे सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, इन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। स्वामी दयानंद ने कहा था कि स्वदेशी राज्य सर्वोपरि एवं सर्वोत्तम होता है। और इनका दूसरा जो स्टेटमेंट था वो था भारत भारतीयों के लिए है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इन नेताओं के बारे में। राजा राम मोहन राय, आपको पता है राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था 1772 में, 1772 और 1773 में हमारा क्या आया था? रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ठीक। अब राजा राम मोहन राय ने क्या क्या किया, ये जाति प्रथा, बहुविवाह, सती प्रथा और नारी शोषण, इन सभी के विरोध में थे। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना भी किया था। इसके अलावा आत्मीय सभा, हिंदू कॉलेज, इन सभी की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय से देखिए जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से बनता है कि उन्होंने कुछ पत्रिकाएँ निकाली थी, वो पत्रिका हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो राजा राम मोहन राय ने 1821 में एक पत्रिका निकाला, संवाद कौमुदी, किस भाषा में? डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पुट करता है कि संवाद कौमुदी किसने निकाला था 1821 में, राजा राम मोहन राय ने। भाषा क्या थी इसकी? इसकी भाषा थी बंगाली भाषा, ठीक है। उसके बाद 1822 में मीरात उल अखबार, याद रखिएगा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मीरात उल अखबार 1822 में फारसी भाषा में लाए थे, कौन? राजा राम मोहन राय। राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना, आधुनिक भारत का जनक इन्हें कहा जाता है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम आते ही तुरंत दिमाग में आना चाहिए क्या? आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही कहा वेदों की ओर लौटो, और इनकी एक रचना थी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। इनके विचारों का संकलन कहाँ है? सत्यार्थ प्रकाश में। स्वामी दयानंद के विचारों का संकलन कहाँ है? सत्यार्थ प्रकाश में, ठीक। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना कब किया, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, तो 1875 कांग्रेस के बनने के 10 साल पहले 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था। और बाद में इसका मुख्यालय कहाँ पे शिफ्ट कर दिया? लाहौर। और स्थापना कहाँ पे किया था? बम्बई में किया था। इनके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था इनके बचपन का नाम। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में, ठीक है। आपको पता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्वामी विवेकानंद, ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, ठीक। इन्हें युग पुरुष भी कहा जाता है, स्वामी विवेकानंद। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इनका मूल नाम क्या था, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। इनका मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है। इनका मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1896 में। इनसे देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो शिकागो में इन्होंने भाषण दिया था, शिकागो में इन्होंने स्पीच कब दिया था? तो 1893 में इन्होंने शिकागो में एक स्पीच दिया था, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और बेलूर मठ की भी स्थापना इन्होंने ही किया था। बेलूर मठ कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे आर्थिक कारण, याद रखिएगा। ये क्या हो गया हमारा? सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन। अब हम लोग बात करेंगे कि राष्ट्रीयता जागने के आर्थिक कारण क्या थे। तो राष्ट्रीयता जागने के आर्थिक कारण में सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका था? दादा भाई नौरोजी का, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी ने दिया था धन निष्कासन का सिद्धांत। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने। इन्होंने समझाया भारतीयों को कि किस प्रकार ब्रिटिशर्स भारत को लूट करके भारत का धन लेकर के जा रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन आता है कि इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत या ड्रेन वेल्थ थ्योरी कब दिया था? तो 1867-68 में। कब दिया था? 1867 से 68 के बीच में दिया था। और इन्होंने राष्ट्रीय आय का आकलन भी किया था। जब इन्होंने किया राष्ट्रीय आय का आकलन, उस समय राष्ट्रीय आय कितनी थी? 20 रुपये वार्षिक, प्रति व्यक्ति 20 रुपये वार्षिक राष्ट्रीय आय थी।
और उसके बाद करीब 10-11 साल बाद विलियम डिग्बी ने किया था। उस समय विलियम डिग्बी ने राष्ट्रीय आय कितना बताया था भारतीयों की, 18 रुपये वार्षिक। ठीक है, चलिए तो ये था हमारा दादा भाई नौरोजी से। याद रखिएगा ड्रेन वेल थ्योरी किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने दिया था। और कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता भी किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। फिर हमारा समाचार पत्रों, समाचार पत्र देखिए वैसे भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। आपको कहीं के बारे में कुछ भी दिखना है तो आपको पता है कि बहुत से आर्टिकल्स निकलते हैं जिसके माध्यम से लोगों को पता चल जाता है। अच्छा, समाचार पत्रों अगर हम लोग बात करें कि प्रेस की स्थापना भारत में किसने किया था, तो पुर्तगालियों ने किया था। ठीक है, किसने किया था, पुर्तगालियों ने किया था प्रेस की स्थापना। जबकि अगर हम लोग बात करें कि आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ किसने किया, तो जेम्स अगस्त हिक्की ने 1780 में, 1780 में एक समाचार पत्र निकाला जिसका नाम था बंगाल गजट, या इसको और किस नाम से जानते थे, द कलकत्ता जनरल एडवाइजर। ये भारत का प्रथम साप्ताहिक अखबार था, किस भाषा में था, अंग्रेजी में था। 2 साल बाद सरकार की आलोचना करने के कारण इसे बंद कर दिया गया था, 1782 में इसे बंद कर दिया गया। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे, देखते हैं। 1870 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत में लगभग 650 समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे थे 1870 तक। ठीक है, और बंगाल गजट कब आया था, 1780 में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि राजा राम मोहन राय ने राष्ट्रीयता की नींव डाला, और इन्होंने संवाद कौमुदी जो कि बंगाली भाषा में थे 1821 में इसका प्रकाशन किया। मिरातुल अखबार जो कि फारसी भाषा में था 1822 में इसका प्रकाशन किया। ठीक है, समाचार पत्रों का संपादन कर भारत में राजनीतिक जागरण का प्रथम प्रयास किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने। याद रखिए, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि समाचार पत्रों का संपादन करके भारत में राजनीतिक जागरण का प्रयास किसने किया, राजा राम मोहन राय ने। इसके अलावा और भी लोग थे जिनके समाचार पत्र इंपॉर्टेंट थे और राष्ट्रीयता के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तो देखते हैं कौन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनकी कौन सा समाचार पत्र था, सोम प्रकाश, 1859 की रचना थी ये। ठीक है, सोम प्रकाश किसकी रचना है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की 1859 में। फिर है बंकिम चंद चटर्जी, वंदे मातरम, आनंद मठ, दुर्गेश नंदिनी, ये इनकी रचनाएं हैं। स्वामी दयानंद की रचना थी सत्यार्थ प्रकाश। ठीक, चलिए अब बात करते हैं अंग्रेजी शिक्षा एवं विदेशी घटनाओं का प्रादुर्भाव। ठीक, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करने के लिए 19वीं शताब्दी में पाश्चात्य विचारधारा और अंग्रेजी शिक्षा के विकास से भारतीयों की मानसिक जड़ता को समाप्त कर दिया था। अंग्रेज क्या चाहते थे कि वो भारतीयों को अंग्रेजी, पाश्चात्य शिक्षा का मतलब क्या है, अंग्रेजी शिक्षा। देखिए, शिक्षा दो थी, एक प्राच्य शिक्षा थी, एक पाश्चात्य। प्राच्य शिक्षा क्या थी, जिसमें हिंदू और मुसलमानों के पुराने साहित्य का अध्ययन किया जाता था। लेकिन पाश्चात्य शिक्षा क्या थी, जिसे हम लोग आंग्ल विद्या कहते हैं या फिर अंग्रेजी शिक्षा। ठीक, अगर आपको इसका वीडियो डिटेल में देखना है तो भारत में शिक्षा का विकास मैंने आपको पढ़ाया, आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जा करके पढ़ सकते हैं, वहाँ पे आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया गया है, पूरे अखबार के बारे में और भारत में शिक्षा के विकास के बारे में। ठीक है, अंग्रेज चाहते थे कि भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा दी जाए, जिससे क्या हो, रंग रूप से तो वो भारतीय हों लेकिन वो दिमाग से कैसे हों, दिमाग से वो बिल्कुल अंग्रेजों की तरह सोचे। लेकिन इनका काम इन्हीं पर भारी पड़ गया। अंग्रेज भारतीय पढ़ते तो थे इनकी शिक्षा, लेकिन इन शिक्षा का प्रयोग अंग्रेजों के ही खिलाफ इन्होंने कर लिया। ठीक, इसके अलावा कुछ क्रांतियां भी हुई थी उस समय महत्वपूर्ण, जैसे अमेरिकी स्वातंत्र संग्राम हुआ था 1776 में, और फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 में। फिर हम लोग बात करते हैं, अगला था हमारा प्रजातीय विभेद की नीति। क्या है, प्रजातीय विभेद की नीति, इसमें देखते हैं अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को काला या देसी कहना। ठीक है, किसी की इंसल्ट करेंगे तो वो आपसे रिवेंज तो लेगा ही, वही काम किया था अंग्रेजों ने। अंग्रेज भारत में ही रहते थे, भारत को ही लूटते थे और भारतीयों को ही काला या देशी कहते थे। ठीक, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक आ रहा था कि ये हमें हीन भावना से देखते हैं हमारे ही जगह पर। ठीक है, फिर क्या था, भारतीयों को रेल के प्रथम श्रेणी में सफ़र ना करने देना। अगला था हमारा
कि समान अपराध के लिए भारतीयों को अंग्रेजों की अपेक्षा अधिक सजा देना और सरकारी नौकरियों में भेद। अच्छा, सरकारी नौकरियों में भेद किसने समाप्त किया ये मैंने आपको पढ़ाया, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि सरकारी नौकरियों में जो सिविल परीक्षाएं होती थी उसमें इस भेद को किसने समाप्त किया और कहा कि जो सिविल की परीक्षा अब होगी वो होगी टैलेंट के बेस पे, ना कि रंग रूप के आधार पर। ठीक है, फिर था लॉर्ड लिटन का शासन। देखते हैं, दिल्ली दरबार का आयोजन होता है और रानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित कर दिया जाता है। इसके अलावा आता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसमें आईसीएस की आयु 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दी जाती है। आईसीएस क्या था? वही सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम। फिर था हमारा कि राजनीतिक संस्थाएं, ये तो हमारा हो गया जितनी चीज़ें थी, इसके अलावा भी क्या था, राजनीतिक संस्थाएं बन रही थी। इसके बाद जो हम लोग का अगला टॉपिक होगा उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, बम्बई में, और उसके बाद हमारा बंगाल और मद्रास, इस जगह जो राजनीतिक संस्थाएं बनी थी उनका भी योगदान था। तो एक एक संस्थाओं के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा लैंड होल्डर सोसाइटी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन और बम्बई एसोसिएशन। आपको इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग यही सारी चीज़ें कवर करेंगे। फिर हमारा परिवहन तथा संचार साधनों का विकास, रेल तथा तार डाक का विकास, लॉर्ड डलहौजी ने रेल का विकास कर ही दिया था। उसके बाद 1865 में एडिशन ने कहा कि रेलवे भारत के लिए वह कार्य कर देगी जो बड़े बड़े वंशों ने पहले कभी नहीं किया। फिर जो होता है घटना वो होता है इल्बर्ट बिल विवाद, जिसमें क्या था कि भारत के सबसे लोकप्रिय वायसराय लॉर्ड रिपन के समय में पारित हुआ था। इन सभी को अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिटेल में देखेंगे, आज के लिए बस इतना ही। ये थे कुछ बेसिक रीजन जिससे क्या हुआ था, भारतीयों के मन में राष्ट्रीयता का उदय हुआ था। अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि जो संस्थाएं बनी थी और किस प्रकार धीरे धीरे भारतीय स्वतंत्रता के लिए अग्रसर होते गए। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।